देखो भाई सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है। अच्छा प्रहलाद जी का नाम हम रोज लेते हैं, राक्षस बालक थे। अब आप लोग हमसे पूछेंगे महाराज कि प्रहलाद जी ने कितना बड़ा बड़ा यज्ञ किया था। कोई यज्ञ वज्ञ नहीं किया भैया, वो बेचारे क्या यज्ञ करते। यज्ञ करने के लिए धन चाहिए, बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए बहुत धन धन की आवश्यकता होती है, आश्रम चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं किया था, एक काम किया था वो बड़ी देर से जो मैं कह रहा हूं कि नाम जपत, ये चौपाई गई है, नाम जपत प्रभु। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम जप करके, कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नाम जपत कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपते प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जपत के लिए किसी बड़े मंदिर की आवश्यकता नहीं, नाम जपने के लिए बहुत ऊंचे कुल की आवश्यकता नहीं, नहीं तो प्रहलाद जी राक्षस बालक थे। नाम जपने के लिए बहुत बड़े आचरण की आवश्यकता नहीं, नहीं तो बहेलिया तो जप ही नहीं सकता था। बोलो जय श्री हरि। व्याधस्याचरणम, और नाम जपने के लिए 80 साल के होने की भी कोई आवश्यकता नहीं, नहीं तो ध्रुव जी महाराज तो जप ही ना पाते बेचारे 5 साल के बालक। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, कोई आवश्यकता नहीं। और नाम जपने के लिए बहुत एमए पीएचडी की आवश्यकता नहीं, तो बेचारा हाथी तो बिल्कुल नहीं कुछ कर सकता था। विद्या गजेंद्रस्य का, और नाम जपने के लिए कोई चतुर्वेदी तिवारी पांडे सिंह इनकी आवश्यकता नहीं, नहीं तो विदुर जी तो बिल्कुल नहीं जप सकते थे, दासी के बेटा। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य कुचमया, विद्या गजेंद्रस्य का जातिर विदुरस्य। विदुर की कौन जाति थी, अब बलवान भी नहीं थे उग्रसेन यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम, भक्ति ही तुष्यति केवलम नच गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। हमारे भगवान तो भक्ति प्रिय हैं। तो नाम जपत प्रभु की इन प्रसादु। प्रहलाद जी महाराज ने केवल नाम जपा था, जिसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, एक चीज की जरूरत है शरीर की और जीभ की, वो तो भगवान ने आपको देके पैदा ही करके भेजा। पहले जो चीज ज्यादा जरूरी है वो पहले से दे के भेजा, लेकिन इसको आप कितना, हम आप कितना इसको भगवान का दिया हुआ है जो साधन है ना, ये कितनी बुरी तरह खराब कर रहे हैं, कितना इसका सर्वनाश करने पर तुले हुए। आइए, प्रहलाद जी चार भाई थे भैया, आह्लाद संघलाद अनुहलाद हिरण्यकश्यप के चार बेटे थे। सबसे छोटे वाला बच्चा जो था ना राक्षस का, उसका नाम था प्रहलाद। कश्यप की पत्नी अदिति से देवता हुए, और दिति नाम की जो पत्नी थी वो उससे दैत्य हुए। आपने अक्सर देखा होगा पिता के नाम से पुत्र के नाम को जाना जाता है, जैसे रघु के वंश में हुए भगवान राम तो राघव, ठीक है, लेकिन यहां राक्षसों में माता का नाम चलता है। कल को आप लोग ये मत कहना देना कि आपका ये कहने का तो मतलब नहीं है कि नारी की हुकूमत राक्षसी प्रवृत्ति है। यहां पर नारी की हुकूमत, यहां पर नारी अपने जैसे अपने बेटे को बनाती है, चाहे वो केकसी हो रावण की मां, चाहे वो हिरण्यकश्यप की मां दिति हो। ये अपनी हुकूमत चाहती है, ये अपना अधिकार चाहती है। बाप कैसा है इससे मतलब नहीं, मां जैसी है वैसा बेटा होगा, मां का नाम बेटे के नाम के साथ जुड़ेगा। दिति के पुत्र हैं इसलिए उनको क्या कहा गया, दैत्य।
आजकल गांव में बहुत बड़ा दैत्य आदमी है। दैत्य माने राक्षस, दैत्य उनको इसलिए कहा गया कि वो दिति के पुत्र है। हिरण्याक्ष तो पहले ही मारा गया तृतीय स्कंद में, धरती को चुरा के ले गया था, और अब हिरण कश्यप बचा है। तप करके भगवान से, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया, पहाड़ पर तपस्या कर रहा है। ये आप मत समझ लीजिएगा कि तपस्या करना केवल साधुओं का काम है, तपस्या करना केवल ब्राह्मणों का काम है, तपस्या करना राक्षसों का भी काम है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर यदि संत को धन मिलता है तो भंडारा करता है, मंदिर बनवाता है, और दुष्ट को यदि धन मिलता है तो समाज का उत्पीड़न करता है, गरीबों को सताता है। ये दोनों के धन में अंतर है। तपस्या भी दोनों करते थे, राक्षस भी तपस्या करते थे। बड़े बड़े डकैत भी काली माई के सामने बकरे की बलि दे देते हैं, वो पूजा थोड़े है, वो तपस्या नहीं है। और काली माँ की पूजा स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस भी करते थे, और डाकू भी करते हैं, चोर भी करते हैं, आज भी करते हैं। राक्षस तप करने के लिए पर्वत पर गया, ब्रह्मदेव प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांग लिया, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न आकाश में मरूं, न धरती में मरूं, न किसी जीव जंतु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पौष माघ फागुन, 12 महीने की किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले ठीक ठीक बेटा, तूने वरदान, तूने तप किया तो मैंने तुझे वरदान दिया। हिरण्यकश्यप बोला, ओ ब्रह्मा जी, सब तो मैंने मांग लिया, अब कौन मारेगा मुझे? ब्रह्मा जी बोले, मारने वाले के हाथ बड़े लंबे हैं रे, वो मारने वाला पहले से उपाय करके बैठा हुआ है कि तुझे मरना कैसे। ये प्रेमियों, आपके भीतर का जो अहंकार है ना, यही हिरण्यकश्यप है। ये सोचता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। ये न दिन में मरता है, न रात में मरता है, न घर के बाहर मरता है, न घर के भीतर मरता है, न आकाश में मरता है, न धरती पर मरता है। पांच किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज उड़ती रहती है, लेकिन वहां भी अहंकार नहीं मरता, जबकि कोई भरोसा नहीं। 2 मिनट में यदि हवाई जहाज लड़खड़ाई तो खत्म कहानी, लेकिन वहां भी सोचता है मेरे से बड़ा मेरे गांव में कोई नहीं होगा, मैं हवाई जहाज में बैठा। ये कहीं नहीं मरता, और ना हम आप मिलकर इसको मार सकते हैं, इसको परमात्मा मारता है, ये तो परमात्मा की कथा मारती। चार बेटे थे राक्षस के, आह्लाद, संगलाद, अनुहलाद, और सबसे छोटे थे प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज का जब जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप का जो प्रेम था प्रहलाद पर ज्यादा था, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज कुशाग्र बुद्धि वाले थे, अच्छा अच्छे विचार के थे, लेकिन उस वो भगवान विष्णु से द्रोह करता था। संत से द्रोह करने वाले, राष्ट्र से द्रोह करने वाले, भगवान से द्रोह करने वाले, विप्र से द्रोह करने वाले, भगवान की कथा से द्रोह करने वाले, ये तो ऐसे मरे हुए लोग हैं, ये जीवित नहीं माने गए। अंगद जी महाराज ने रावण के सामने यही कहा था, 14 प्रकार के लोग मरे हुए हैं वो आप जानते ही हैं, और रावण को देख कर कहा था कि सारे दुर्गुण तेरे भीतर। प्रहलाद जी महाराज जब बड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष में प्रहलाद जी महाराज को पढ़ने भेजने लगा हिरण्यकश्यप। वहां पर विद्यालय मानव वाला नहीं है, वहां पर दानव वाला विद्यालय है। आजकल हमारी सनातन संस्कृति का जो सर्वनाश हो रहा है, ये 60% देन स्कूलों की भी है, जिसमें आपको बहुत अधिक गर्व होता है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है। इंग्लिश का ज्ञान बहुत आवश्यक है, चलो मैं मान ले रहा हूं। इंग्लिश पढ़ना बहुत आवश्यक है, ये भारत में जो जड़ जमा चुकी है, ये हम आप नहीं दूर कर सकते। लेकिन जो अंग्रेजी के माध्यम से, हमारे देश में बड़े बड़े अंग्रेजी के विद्वान थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े पंडित थे इंग्लिश के, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को महत्व दिया, इंग्लिश विद्या के विद्वान हुए। यहां पर अब आजकल विद्वान होने का मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर मतलब दिखाई दे रहा है भारतीय संस्कृति की हत्या।
वो विद्यालय था, उसमें शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक पढ़ाते थे। उस स्कूल विद्यालय का नाम था अखिल भारतीय दानव महाविद्यालय। संत कहते थे वहां मानवों के बच्चों का प्रवेश नहीं था, वहां सब दानवों के बच्चे पढ़ते थे। वहां तमाम तरह की राजनीति, तमाम तरह की कुटिलता, तमाम तरह के अनेक शासन करने का विधान पढ़ाया जा रहा है। संत महात्माओं से अधिक जो कोई पीला कपड़ा पहने देखे, नारायण नारायण विष्णु विष्णु कहे, उसका विरोध करो, उसको मारो भगाओ, ये हमारे शत्रु। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। एक रामायण वो कोई संत पेरियार ने लिखी थी, असली रामायण कहते हैं उसको। अब तो सोशल मीडिया पर भी आने लगी है और सब लोग चुपचाप बैठे हैं। हम लोग तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं और हम लोग सबको जोड़कर चलते हैं, कहते हैं दलित हिंदू हैं और सब हमारे कोई दलित वलित नहीं है, सब हमारे हिंदू हैं। आज हम लोग कहते पहले अत्याचार किया। वो रामायण आजकल प्रचारित की जा रही है, उसमें हनुमान जी राम जी को सबको गाली दी जा रही है और हम लोग चुपचाप उसको देख रहे हैं। और कोई मोहम्मद साहब के बारे में बोलता है तो गला काट दिया जाता है। कैसे होगी धर्म की रक्षा? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी रामायण को, मेरी देवी देवताओं को मानो, लेकिन भाई आप तो गाली देने लगे। उस रामायण की प्रतियां लखनऊ में जो प्रदर्शनी लगती है उसमें बिक भी रही है, अभी बिक रही है। कुछ लोग कहते हैं कोर्ट में जीत गई थी वो रामायण। तो हिरण्यकश्यप के विद्यालय में वहां के विद्यार्थियों को धर्म विरोधी विष्णु विरोधी बनाना उस विद्यालय का काम था। प्रहलाद जी महाराज पढ़ने गए, वहां तो पढ़ाई हो रही है दूसरी तरह की, प्रहलाद जी महाराज पढ़ाई कर रहे हैं दूसरी तरह की। अरे तू दयालु दीन, तू दयाल दीन, तू दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी, तू दान हो, रंग तो ये लगा हुआ चली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी तो पहले से पढ़े पढ़ाए आए थे, शाम को जब प्रहलाद जी आ गए ना तो हर माँ बाप पूछते बेटा क्या पढ़े, अपनी पुस्तक दिखाओ, अपने कागज दिखाओ। हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद जी से पूछा कि बेटा क्या पढ़ाया तुम्हारे गुरु ने। प्रहलाद जी बोले पिताजी गुरु जी ने तो जो पढ़ाया वो बिल्कुल किसी काम का नहीं था, लेकिन जो मैं पहले से पढ़ के आया हूं वो मैं आपको बताऊं। तत्साधु मंडे तत्साधु मन्ने सुरवरीय देहिनाम ततो समत विघ्न धियाम सदग्रहात। प्रहलाद जी बोले पिताजी अच्छी बात यही है
ये राजनीति, ये कुटिल नीति, ये सब एक दूसरे की बातें, ये जो पढ़ाई जा रही है ये कल्याण की बातें नहीं है। महात्माओं ने, संतों ने जो कहा है, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिनाम ततो समुद्र विघ्न धियाम सदग्रहात। ये गृहस्थ जो है ना पिताजी, ये पतन का रास्ता है। यदि समय रहते हुए चैतन्यता नहीं आई ना, चौथापन आ जाए तो घर से थोड़ा दूर जाकर नारायण का भजन करना चाहिए। नारायण का भजन, ये तो मनाही है। मेरे कोने कोने में मेरे राज्य में कोई नारायण नारायण बोले तो उसको हम लोग उसको कारागार में डाल देते। अरे अरे मूर्ख बालक, ये नारायण का पाठ तुझे किसने पढ़ा दिया? हिरण कश्यप बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे विद्यालय के ये दोनों शिक्षक संड और अमरक देवताओं से मिल गया हो, अब विद्यार्थियों को नारायण नारायण की शिक्षा देने लगे। बुलाओ बुलाओ इन दोनों पढ़ाने वालों को बुलाओ। दोनों संड और अमरक शुक्राचार्य के बेटे आए, बोले बोले ये क्या पढ़ा दिया मेरे बालक को? बोले महाराज ये कोई पढ़ाया वढ़ाया नहीं है, ये पहले से पढ़ के आया। पढ़ के आया? बोले हाँ महाराज, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम भागवत में लिखा, न हमने पढ़ाया। तो बोले किसी दूसरे ने पढ़ाया होगा? नहीं नहीं, बोले महाराज मैं बहुत पक्की रखवाली करता हूं, कोई और भी नहीं पढ़ाया। अच्छा, बोले ये बेटा आपका, पुत्र आपका ऐसा ही है। सुतम बदत्ते सतमेंद्र सत्रो, हिरण कश्यप बोला आज इसको डरा धमका के पढ़ाओ। दोनों अध्यापक बोले प्रहलाद आज हम तुमको बांध देंगे खंबे से यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो, और तुमको मारेंगे। प्रहलाद जी बोले गुरुजी आपको बाहर वाली चीजें तो देखती है, दिखाई देती है, लेकिन भीतर वाली नहीं दिखाई देती। तब तक गुरुजी और डरे, लड़का है महाराज, बालक है कि क्या है, ये भीतर बाहर वाली कैसे? प्रहलाद जी बोले देखो बाहर बाहर तो तुम्हें दिखता है लेकिन अंदर अंदर तुम्हें दिखता नहीं। हमारे चारों तरफ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नाच रहा है, हमको कोई मार नहीं सकता। अब तो गुरु जी बोले अब तो पक्की फांसी लगेगी, ये सुदर्शन चक्र त्रिशूल और ये सब विष्णु और नारायण और वेद, ये इतना बड़ा बालक इस तरह की बातें कैसे कर रहा है? दूसरे दिन जब पढ़ करके प्रहलाद जी आए तो राक्षस ने की बड़े प्यार से गोद में बिठाया। हाँ बेटा आज क्या पढ़ा? प्रहलाद जी बोले पिताजी आज मैंने जो पढ़ा है और उसको अगर तुम ठीक से सुन लोगे तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी और तुम्हारे जो नेत्र चक्षु हैं ज्ञान के वो खुल जाएंगे। भगवान विष्णु की भक्ति है 9 प्रकार की। अरे राक्षस बोला अरे राम, अरे ये तो आज तो इसकी भाषा और जहरीली हो गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु की 9 प्रकार की भक्ति, भैया प्रहलाद जी बोल रहे हैं। उपदेश हनुमान जी महाराज ने विभीषण को भी दिया था लेकिन विभीषण भगत शिरोमणि बन गए, और उन्हीं हनुमान जी ने रावण को भी जाके उपदेश दिया था लेकिन रावण ने तो कहा मृत्यु निकट आई खल तो ही, मूर्ख बंदर तू मरना चाहता है। तो प्रेमियों इस तरह दुष्टों को उपदेश देने का कोई अर्थ नहीं होता। प्रहलाद जी महाराज ने हिरण कश्यप को जो उपदेश दिया उसको हम लोग सुनकर के तृप्त होते हैं लेकिन राक्षस ने अपने बालक को गोद से फेंक दिया। 9 प्रकार की भक्ति कथा सुनो पिताजी। भगवान की कथा प्रेम से सुनना भक्ति है भगवान की, ठीक है? अगर आसन पर बैठ कर एक घंटा पलथी लगा के माला बिल्कुल नहीं जप सकते ना, माला तो चली नहीं सकता। और लेकिन यदि कथा हो रही हो तो चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, नीचे नहीं बैठ के सोफा सेटे पे बैठ के अगर सुन लिए, आधा घंटा भी सुन लिए, एक घंटा यदि कथा सुन लिए तो संत ये कहते हैं कि मानो आपकी एक घंटा की भक्ति हो गई। बोलो भक्ति मैया की। ये नहीं लिखा है कि सोफा सेट पर बैठ के सुने कि जमीन में बैठ के सुने, ये लिखा है कि कैसा सुन ले बस। अब तो आप लोग बड़े खुश हो गए होंगे ना, चलो बड़ी छूट मिल गई। सनातन धर्म में जितनी छूट है उतनी किसी धर्म में छूट नहीं भैया, प्रेम से कथा सुनो। श्रवणम और दूसरी भक्ति कीर्तनम। बोलो राधे राधे, कीर्तन भी भक्ति। ये खाली गाना नहीं है ताली बजा बजा करके कि गाना है ना, ये कीर्तन भगवान की भक्ति है कि बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे, बोलो बोलो राधे राधे की बेड़ा पार हो जाएगा, की बेड़ा पार हो जाएगा, हो की बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे कि बोलो राधे 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 राधे
बजाते जाइए ताकि कैमरा में आप भी आओ बढ़िया बढ़िया ना, है ना। सीताराम 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 भक्ति है। प्रेम से कथा सुनो, ये रामायण वाली नौधा भक्ति है, भागवत वाली करीब करीब लगभग है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रथ मम कथा प्रसंगा है। मानस में राम जी ने भगवती राम जी ने माता सबरी को जो उपदेश दिया था, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रथ मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान, चौथ भगत मम गुणगन, करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुमेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, नृत निरंतर सज्जन धर्मा, सातो सम्मोहिमय जगदे मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोसा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस नदीना, नौ मोह एक हो जिनके होई, नार पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये रामचरित मानस की नौधा भक्ति। और श्रीमद् भागवत में, रामचरित मानस में, रामायण में एक परमात्मा ने एक महान भक्त को उपदेश दिया और उस भक्त ने तुरंत मान लिया, और ऐसे भक्त को उपदेश दिया जिसके भीतर पहले से ही नौधा भक्ति थी, और भागवत में एक महान संत ने एक दुष्ट को उपदेश दिया। घड़े का मुंह नीचे पेंदा ऊपर, सावन भादों पूरा बरस है लेकिन एक को बूंद पानी घड़े में जाने वाला नहीं है। हाँ,